पाकिस्तान ने चूड़िया नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़िया भी नहीं है। पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। उनके पास भी अटम बम है, याद रखिए। और अफसोस क्या है कि वो अटम बम हमारे ऊपर ही है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए सेना झट्टी हो रही है, यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक रोटी के लिए तरस रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना। पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। घंटा जानते होंगे आप, देखा भी होगा बजते हुए भी और बजाते हुए भी, जिसकी पहुंच वहां तक होती है हर आता जाता आदमी उसे बजा ही जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनावी मौसम में सियासी चर्चा के बीच अचानक घंटे का जिक्र क्यों। तो मामला दरअसल ये है कि कहने वाले मौज मौज में ही सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान तो घंटा ही बन गया है। या अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो हंगामा फिल्म में राजपाल यादव का वो कैरेक्टर जरूर याद होगा जिसे हर कोई बजा जाता था। गलती उसकी हो या ना हो, सजा वही पाता था। हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सांसद हिंदुस्तान के चुने जाने हैं, सरकार हिंदुस्तान की बननी है, लेकिन मुद्दा पाकिस्तान बन गया है। जिसका मन चाहता है वही बजा जाता है। कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। उनके पास बिजली भी नहीं है, अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़िया भी नहीं है। पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। आज ये मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है, यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है। दरअसल पीएम मोदी हो या अमित शाह या फिर सीएम योगी, सबकी जुबान पर किसी ना किसी बहाने पाकिस्तान का नाम आ ही जाता है। पीएम मोदी पाकिस्तान को चूड़िया पहनाने की बात करते हैं, अमित शाह पीओके पर धमकी देते हैं और योगी पाकिस्तान की गरीबी की चर्चा करते हैं, लेकिन कांग्रेस और तमाम विपक्षी नेताओं के जुबान पर भी किसी न किसी बहाने पाकिस्तान का नाम आ ही जाता है। उनके पास भी अटम बम है, याद रखिए। और अफसोस क्या है कि वो अटम बम हमारे ऊपर ही। अब यही बात पाकिस्तान को मिर्ची की तरह लगी है। उसे ये लगने लगा है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना। उसे ऐसा भी लगने लगा है कि खेत खाए गधा और मार खाए पाकिस्तान। मतलब ये है कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान ने दूसरी बार गुहार लगाई है कि लिल्लाह आप अपने मुल्क के चुनाव में हमें बख्श दे। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कुछ पार्टियां बार बार पाकिस्तान का नाम लेकर वोटिंग में फायदा उठा रही हैं। इसके लिए मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भारत में हो रही बयानबाजी पर ध्यान देने को कहा है। उनका कहना है कि ऐसी बयानबाजी से दोनों देशों में शांति भंग होती है और रिश्ते खराब होते हैं। यानी पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि कभी उसकी गरीबी तो कभी उसे चूड़ी पहनाने की बातें चल रही हैं, जबकि चुनाव हिंदुस्तान के हो रहे हैं। यानी इस बात पर गुस्सा है कि भारत के नेताओं ने उसे बाजार का घंटा बना दिया है।